पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी। अभी रात का 1 बज रहा है कराची में, और अविनाश भाई क्वेटा में हैं, और इन्होंने का मैसेज आया कि आपने 4 दिन पहले प्रॉमिस किया था कि कॉल करेंगे, तो मैं फटाफट कपड़े बदल के आया हूँ। लास्ट टाइम इनके सर पे तेल लगा हुआ था, आज मेरे सर पे तेल लगा हुआ है। तो इनके साथ गपशप लगाएंगे कि अविनाश भाई कौन है और क्या करते हैं और क्वेटा में क्या करते हैं। अच्छा, क्वेटा बड़े मज़े की जगह है। हम लोग जब छोटे थे तो हर साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जाते थे गाड़ी में, 8 घंटे में पहुंचते थे। और मेरे वालिद के वहाँ दोस्त हैं, लियाकत पेपर वाले, मशहूर हैं वो, उनके पास चले जाते थे और उन्हीं के घर में हम शोर शराबा करते थे। अब जब से हालात थोड़े कहते हैं कि ख़राब हो गए, तो अब जाना अब कम कर दिया है। अभी मैं थोड़े दिन पहले गया था, तो बहुत सालों के बाद बहुत पुरानी जगह याद आई, और अब मुझे इत्तेफाक से डिस्कवरीज हो रही हैं कि बहुत सारे हिंदू रहते हैं अभी क्वेटा में। मुझे पता बिल्कुल भी नहीं था। और बलूचिस्तान में नानी का मंदिर और इतनी सारी चीज़ें हैं, आई आई वॉज टोटली अनअवेयर। तो वेलकम अविनाश भाई फॉर द कॉल, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम। अविनाश भाई थोड़ा सा अपने यस बारे में सर, बताते हैं, यहाँ आप पॉलिटिकल लीडर भी हैं और हिंदू लीडर भी हैं और बिजनेस लीडर भी हैं, तो इतनी सारी लीडरानी लीडरियां जमा की हुई हैं आपने, उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं अपने बारे में। लीडर सर बहुत बड़ा, हम अच्छे भले लीडर्स को भी इबहाम है कि वो शायद लीडर्स नहीं थे। तो लीडर तो एक बहुत बड़ा लफ्ज है। आई एम जस्ट अ पॉलिटिकल वर्कर सर, और यहाँ अपने लोगों के लिए काम करता हूँ, उनके राइट्स को डिफेंड करने की जो थोड़ी बहुत काविश कर सकते हैं वो अपने हदूद में रह के करते हैं। जाहिर बात है बलूचिस्तान में पॉलिटिक्स करना कोई आसान काम नहीं है, यहाँ राइट्स की बात करना कोई आसान काम नहीं है। यू नीड आयरन लिवर फॉर दैट। तो अपनी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हदूद के अंदर बात करते रहते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं ऑफिसर। सही है। तो आप कोई पार्टी का नाम बता रहे थे, मैं उस पार्टी से ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ कि आप उस पार्टी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं। जी हाँ सर, मेरा बेसिकली ताल्लुक डेरा मुफ्ती से है। डेरा मुफ्ती इज अ नॉन प्लेस, जिनको पता उनको रेफरेंस देता हूँ कि आपके घर के चूल्हे हमारी गैस से जलते हैं। सोई के इलाके से 1952 गैस के बहुत दरियाफ्त हुए और उन्हीं दिनों में वो सियालकोट तक पहुंच गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1982 तक कोयटा में गैस नहीं थी। तो ये वो इलाका है जहां से एक्चुअली गैस निकलती है। तो उस इलाके की निस्बत से नवाब अकबर खान बुगटी साहब जो थे, जो अब हमारे बीच नहीं है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, तो उनके इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ। तो उन्होंने 1991 में जमहूरी वतन पार्टी की बुनियाद रखी थी, जिसके झंडे में चार सितारे थे जो कि चार पाकिस्तान की चार अकवाम को रिप्रेजेंट करते थे। तो उस पार्टी में मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर भी रहा। करंटली आई एम जस्ट अ पॉलिटिकल वर्कर, मेरे पास कोई ओहदा नहीं है सर। सही है। और आप हिंदू कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा बताएं, बलूचिस्तान में कितने लोग हैं जो कि हिंदू हैं, उनके साथ कैसे बर्ताव करते हैं हम बदतमीज लोग वगैरह वगैरह। सर बलूचिस्तान में हिंदुओं की हिस्ट्री तो खान ऑफ कलात से कहीं पहले जुड़ती है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के हम लोग हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एटलीस्ट फॉर 5,000 ईयर्स नाउ। मोहनजोदड़ो से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो बलूचिस्तान में जो क्वेटा से अगर आप निकलेंगे और 20 किलोमीटर्स कोरपुर की तरफ आप विजिट करेंगे तो यहाँ से सिंधी लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है। अब सिंधी लैंग्वेज की बलूचिस्तान में बोले जाना जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही, अबकि और तो उसमें कोई ऐसी सिविलाइजेशन नहीं थी कि सिंधी बलूचिस्तान तक पहुंच जाए। तो हमारे एंसेस्टर्स जरूर इंडस वैली सिविलाइजेशन से रहे होंगे जो बलूचिस्तान में शिफ्ट हुए सदियों पहले, और हम ट्राइबल कल्चर से अपने आप को जोड़ते हैं। हिंदूज आपको ज्यादातर बलोच बेल्ट में ही मिलेंगे,
پشتون بیلٹ میں ہندوز نہیں ہے کیونکہ وہ برداشت کا کلچر اور سیکولرزم کسی بھی کنٹری میں جب کوئی مائنورٹی رہتی ہے تو وہاں سیکولرزم ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے جو کہ ان کو بنائے رکھتا ہے اپنی زمین پہ. تو بلوچ جو ہے بلوچ بیلٹ وہ کافی ٹالرنٹ تھا اور ٹرائبل کلچر میں ہمیں بڑی سیکیورٹی حاصل ہے. تو ہم بلوچستان میں ہیں, آبادی کے حوالے سے تقریباً کم و بیش کوئی 80,000 to 1 lakh ہونے چاہیے بلوچستان میں ہندوز. 80,000 سے 1 lakh ہونا چاہیے گا برادر. میں آپ کے توسط سے انوائٹ کروں گا ہمارا ہر ویکینڈ پہ پچھلے ہفتے تک 10 بجے اور اس ہفتے سے 8 بجے ایک انٹرفیتھ شو کے نام سے, دا انٹرفیتھ شو کے نام سے ہم شو کرتے ہیں جس میں ایک ہندو لیڈر ہوتے ہیں, ایک سکھ لیڈر ہوتے ہیں, ایک مسلمان ہوتا ہے اور ایک کرسچن ہوتا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ ادرز ٹو اٹینڈ دا شو اینڈ آلسو ان سے بات کریں اور ان کے ساتھ مل کے آپ اپنے علاقے میں شروع کریں. خیر میرا بک یہ مجھے ویسے ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ڈیرا بکتی میں اچھا لوگ کتنے رہتے ہیں, کیونکہ میں ایک اور ہمارے کیلاش شاید نام ہے ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ ٹوٹل 1,000 گھر ہیں. لیکن آج میں ظفر بھائی سے بات کر رہا تھا جو کہ وہاں کمشنر تھے پہلے, کہنے لگے وہاں پہ تقریباً 1-1.5 لاکھ لوگ رہتے ہیں. تو کتنے لوگ رہتے ہیں ڈیرا بکتی کے سب؟ اچھا سر, بلوچستان میں دو بہت بڑی ٹرائبس ہیں جن میں سے ایک بگٹی ہیں جو کہ ہم 2005 تک نواب صاحب کلیم کرتے تھے کہ 4 لاکھ کے قریب ہیں. تو ان کے بعد مری ٹرائب ہے, وہ بھی سوئی اور ڈیرا بگٹی ٹوین ولیجز ہیں, لائک اباؤٹ 30 منٹس کی ڈرائیو ہے سوئی جہاں سے گیس نکلتی ہے اور ڈیرا بگٹی جہاں نواب صاحب کا گھر تھا. تو سوئی کی آبادی تو اس وقت 1.25 لاکھ کے قریب ضرور ہوگی, ڈیرا بگٹی میں بھی 80,000 لوگ رہتے ہیں. تو یہ لگ بھگ 2 لاکھ کے قریب ڈیرا بگٹی سوئی اور آس پاس کے علاقے پیر کو لوٹی اور اس طرح کے اور ایریاز کو آپ ملائیں گے. پٹ فیڈر جو کہ ایک ایگریکلچرل لینڈ ہے, پانی نہر ہے وہاں سے کافی گزرتے ہیں, وہاں بھی بگٹی ٹرائبس بہت زیادہ رہتے ہیں. اسپیسیفکلی ڈیرا بگٹی کا مجھے پوچھیں گے تو سوئی اینڈ ڈیرا بگٹی دونوں ملا کے تقریباً کم و بیش کوئی 1,80,000 سے 2 لاکھ کے قریب آبادی ہوگی. اور ان 2 لاکھ لوگوں کی آبادی کے اوپر جو کمشنر ہیں وہ کتنے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر تو ایک ہی ہے سر, ڈی سی جن کو کہتے ہیں, اور سوئی میں جو ہے وہ اے سی بیٹھتے ہیں. میرے پاس ڈپٹی کمشنر ضلع کا تو ایک ہی ہوتا ہے, تو یہ ایک ہی ضلع ہے, ایک ہی ڈپٹی کمشنر ہے, اسسٹنٹ کمشنر ہیں سوئی میں. صحیح. کل مجھے کسی نے پرسوں ویڈیو ایک ان باکس کری کہ سوئی میں گیس نہیں آ رہی, بی بی سی کی ویڈیو تھی, پریشر سے آتی ہے. تو میں نے آج ظفر بھائی سے پوچھا کہ بھائی پریشر سے کیوں آتی ہے, ریگولر وہیں سے تو نکلتی ہے, وہاں تو زیادہ آنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ ہے تو ان کو چاہیے کہ ڈی سی کے پاس جائیں اور ڈی سی کے پاس جا کے کمپلین کریں, اینڈ میرے ریفرنس سے بے شک چل جائیں, ان کے دوست ہیں. تو میں اگین آپ کے توسط سے یہ میرا پیغام ان کا آگے پہنچانا چاہوں گا, ظفر بھائی کا, ظفر قادر بھائی جو کہ وہاں کمشنر رہتے تھے پہلے اور این ڈی ایم اے کے چیئرمین تھے, کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو آپ ڈاکیومنٹ کر کے ڈی سی تک ضرور جائیے اور اے سی تک ضرور جائیے, اور کاپی آپ چاہیں تو ظفر بھائی تک پہنچائیں جا کے یہ آواز پہنچ سکے. دوسرا, آپ کے خیال میں اویناش بھی 100-2 لاکھ لوگوں میں سے فیس بک کتنے لوگ یوز کرتے ہوں گے؟ دیکھیں جی, ڈیرا بگٹی میں تو بہت کم ہوتا ہوگا کیونکہ لٹریسی ریٹ, فیس بک تو آپ کے لٹریسی ریٹ سے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. سوئی میں کیونکہ ہمارے علاقہ ہے اور سوئی کا ایسا ہے کہ ڈیرا بگٹی سے تھوڑا سا ایڈوانس ہے, تو یوتھ تو سارے ہی یوز کرتے ہوگی, پرانے لوگوں کا میں نہیں کہہ سکتا. اب یوتھ کا جو ریشو ہے اسی ریشو سے فیس بک یوز ہوتا ہوگا. تو اگر ہم گیس کریں کہ کتنے لوگ ہوں گے تو کتنے, 2 لاکھ میں سے 20,000 ہوں گے, 50,000 ہوں گے, 1 لاکھ ہوں گے, کتنے لوگ ہوں گے جو فیس بک چلاتے ہیں؟ 25,000 سے 30,000 لوگ فیس بک یوز کرتے ہوں گے. تو آج میں نے ایک ایڈ لگایا تھا فیس بک کے اوپر ڈیرا بکتی کے اندر, تو 730 لوگ کو بتا رہا تھا ٹوٹل ڈیرا بکتی کے اندر رجسٹرڈ.
या तो उन्होंने अपने इन्फॉर्मेशन में डेरा बुक्ती नहीं लिखा हुआ और सुई नहीं लिखा हुआ, जिसकी वजह से वो जो टोटल यूज़र आ रहे हैं वो 700 यूज़र आ रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी लो नंबर। और जबकि एक और पेज है डेरा बुक्ती का, उस पर 15,000 लोग हैं, और ग्रुप मैंने बनाया था उसमें सिर्फ 50 ही लोग हैं। आई होप कि आप उस ग्रुप में अपने लोगों को ऐड कर देंगे। वजह मैं उसकी ये बता रहा हूँ कि अभी मैंने मीचू काकू की वीडियो शेयर की थी, जिसके अंदर फ्यूचर इकोनॉमीज के ऊपर बात हुई है। एक और किताब है वर्ल्ड इज फ्लैट बाय थॉमस फ्रीडमैन, उसकी और उसकी एक और किताब है, उसमें सारा हमने ना ये अपने जो मादनियात हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर जो लोग इन्हिसार नहीं करते उनके बारे में है, कि किस तरह से साउथ कोरिया जिसके पास कोई मादनियात नहीं है, जापान जिसके पास कोई मादनियात नहीं है, सिंगापुर जिसके पास कोई मादनियात नहीं है, वो आगे किस तरह से गए अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करके। तो आज क्योंकि इंटरनेट सब जगह चल रहा है और मोबाइल और कंप्यूटर सबके पास है, तो ये इक्वेशन चेंज हो गई है, ये सारी दुनिया के पास सेम इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है। अब उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करके वो अपने लिए क्या पैसे कमाते हैं, इफ वी कैन वर्क ऑन दैट, तो वो डेरा बुक्ती में रहता हो, उसी में रहता हो, कराची में रहता हो, न्यूयॉर्क में रहता हो, सेम हार्वर्ड की एजुकेशन उसके लिए फ्री हो गई है, सेम स्टैनफोर्ड की एजुकेशन उसके लिए फ्री हो गई है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ थोड़े से पैसे जमा करके बिल बोर्ड लगवा दें, यार एडेक्स पे जाके पढ़ लो, ऑडेसिटी पे पढ़ लो, क्या जरूरत है तुम्हें टंडू एग्जाम जाने की, या ऐसे ऐसी यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हो जहाँ तुम्हारी एजुकेशन सही नहीं होती, इतना टाइम भी जाया करते हो और पैसे भी जाया करते हो, जिंदगी भी बर्बाद करते हो। सो आई कैन वी डू दैट समहाउ? जी हाँ सर, काम तो देखिए, काम का पोटेंशियल हर कहीं होता है। डिपेंड ये करता है कि इलाके की डायनामिक्स क्या है। अब जैसे कि ओवरऑल आप पाकिस्तान को ही देख लें ना, जिया रजीम के बाद हमारे पास टूरिस्ट ने आना छोड़ दिया। जिस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ मुल्क में, तो हमारे रिलेशंस काफी ज्यादा डैमेज हुए। एक अजीब सी इमेज, हालांकि एज ए नेशन तो हम ऐसे नहीं है, एज ए नेशन हम बहुत कॉमन नॉर्मल पीपल हैं, लेकिन जो हमारी प्रोजेक्शन हुई है दुनिया भर में, उसने हमें मुख्तलिफ लोगों से मिलते नहीं है, इंटरेक्शन नहीं होता, तो जारी बात है कि नॉलेज का ट्रांसफर भी रुक जाता है, वो सफर भी रुक जाता है। तो हमने इस चीज से बड़ा सफर किया है। अब आपके और हमारे जैसे लोग, हमारे लिए कुछ करना, फिर हमें देखना ही पड़ेगा कि जी कितना स्कोप है। एक तो आप पहले वहां डेरा बुक्टी जाएंगे और अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, तो 50 तरह की इंक्वायरीज आपके पीछे स्टार्ट हो जाएंगी। बंदे का क्या ऑब्जेक्टिव है जी, इस इलाके में आने की क्या जरूरत है, क्योंकि वहां पे कोई स्टेबल सिस्टम अभी तक चल नहीं रहा। ये जरूर है कि अब कोई बदमनी की खबरें डेरा मुफ्ती या सुई से नहीं आ रही, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी अभी भी दे आर स्ट्रगलिंग, क्योंकि अब तक बैलेंस ट्राइबल और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मेंटेन नहीं हो पाया है। तो बहुत सारी मुश्किल है, लेकिन फिर भी काम तो हो सकता है, किसी भी तरीके का काम। मासेस को इकट्ठा करना आप एफर्ट करते हैं तो उसका जरूर रिजल्ट भी आता है। तो यस, वी कैन डू दैट, व्हाई नॉट। सही है, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा इसके ऊपर। और अभी जियान भाई ने बताया कि आपको क्वेटा ऑनलाइन के भी फाउंडर हैं, वही जबरदस्त, ये तो आपने काम किया है क्वेटा ऑनलाइन जो थैंक यू काम, वेरी मच। देर इज नो अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट इन पाकिस्तान दैट आई नो ऑफ, इतना क्रिएटिव आप लोगों ने काम किया है। जिया सैल्यूट टू यू अविनाश भाई, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। थोड़ा सा बताएं कि क्या बला है क्वेटा ऑनलाइन, ये क्या करती है, सिर्फ क्वेटा के लिए तो नहीं करती, सब जगह के लिए करती है, तो ये अब क्वेटा ऑनलाइन से बलोचिस्तान ऑनलाइन में कब कन्वर्ट होगी और पाकिस्तान ऑनलाइन में कब कन्वर्ट होगी, ये भी बताइए। सर फॉर्चुनेटली आई वाज अमंग द फाउंडर मेंबर्स ऑफ क्वेटा ऑनलाइन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं खुद एक्टिव रह नहीं सका क्वेटा ऑनलाइन में। तो जिया साहब हैं, जिनको ऑल ओवर कंट्री लोग सब जानते हैं, वही मैनेज कर रहे हैं। बेसिक उन्हीं का ही आइडिया था। हमने ये इनपुट दिया कि रेडियो के साथ कनेक्टिविटी हो गई, या कुछ इस तरह के आइडियाज दिए कि हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी विजिबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, मास लेवल पर इसको कैसे पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं कराची और क्वेटा आना जाना बहुत ज्यादा, फिर पॉलिटिकल काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है, आपको पता है पॉलिटिक्स, तो उस वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रह नहीं सका। क्योंकि अब मैं क्वेटा दोबारा शिफ्ट हुआ, तो मैं ज्यादा से कांटेक्ट में हूँ। इंशाल्लाह देखेंगे कि अब और क्या कर सकते हैं क्वेटा ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से। तो क्या करती है, थोड़ा सा ये बताएं इसके बारे में। सर ये सोशल जो हमारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि
बेसिकली ये शहर हमारा है, तो जारी बात जब तक हम इसको ओन नहीं करेंगे, जैसे कि आपने देखा जब मुस्तफा कमाल साहब कराची के नाजिम थे, उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट की थी आई ओन कराची। तो जब तक आप किसी जगह पे रहते हैं, कंट्री को, सिटी को, अपने एरिया को ओन नहीं करते हैं, उसकी वारिसी नहीं करते हैं, तो वहां पे चेंज आता नहीं है। फिर आप ये मसाइल देख के जलते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट आएगा नहीं। तो बेसिकली हमने यही सोचा था कि यार हम यहाँ की यूथ हैं, बाहर से आके किसी ने इस शहर के मसाइल को हल करना नहीं है। और गवर्नमेंट जिस तरीके से काम करती हैं, उनका एक अपना खास तरीका है। दुनिया में कहीं भी अकेली गवर्नमेंट जो है वो गवर्नेंस कर नहीं सकती, उसके लिए सिविल सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होती है। तो बेसिक आइडिया यही था कि हम मुख्तलिफ मसाइल में, जैसे सफाई के मसाइल हैं, हमने बहुत सारे जगहों पे, जिया साहब ने काम किया जहां कई सालों से कचरे पड़े हुए थे और वो बड़ी बुरी हालत में थे एरियाज, उनको हमने साफ किया। फिर जो मशीनरी, जो इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी इस्तेमाल होती थी उसके लिए, वो भी प्राइवेट सेक्टर से, जो हमारे दोस्त क्वेटा ऑनलाइन में है जिनका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स के शोबे से था, वो अपनी मशीनरीज ला के वहां से वो सफाइयां करना और ग्राउंड्स को साफ करना, फिर कचरा उठा के वहां पे बच्चों को इनकरेज करना कि अब आप यहाँ पे क्रिकेट खेलें, क्योंकि वो एक जगह यूज में रहती है तो गंदी होने से बच जाती है। उसके अलावा फिर शजरकारी प्लांटेशन, उसके ऊपर बड़ा काम हुआ कि जी दरख्त लगाए जाए और बाकायदा उनकी देखभाल की जाए, उनको इतना कम से कम इस काबिल बना दिया जाए कि वो खुद से ग्रो कर सके। क्योंकि शजरकारी आप देख रहे हैं जब से पाकिस्तान बना है हर साल गवर्नमेंट लेवल पे स्टार्ट होती है, लेकिन अगर 5,000 दरख्त गवर्नमेंट क्लेम करती है तो उसमें से 5 भी जड़ नहीं पकड़ पाते। और यही हमारा एक इलाका है फातिमा जना रोड, यहाँ क्वेटा के हमारे दोस्त जानते होंगे, वहां पे एक गली है जहाँ के लोगों ने अपने घरों के बाहर दरख्त लगाए, आज वो पूरी स्ट्रीट सरसब्ज और शादाब है, वो दरख्त बहुत बड़े हो गए हैं, बड़े सायेदार हो गए। तो सिविल सोसाइटी जिस तरीके से अपने एसेट्स को समझ के, अपनी सिटी को ओन करके, उसकी देखभाल करके काम कर सकती है, गवर्नमेंट के लिए वो इस सेटअप में तो पॉसिबल नहीं होता जिस तरह हमारे यहाँ गवर्नमेंट चलती है। सर सही है, तो इसका तरीका कार क्या होता है, और लोग किस तरह से अपने अपने शहरों में अपना शहर ऑनलाइन बना सकते हैं, और क्या आप लोगों को क्या गाइड करेंगे? सर सोशल मीडिया की तो सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसने हर शख्स को ये फ्रीडम दे दी है कि वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सके, अपने आइडियाज को मासेस के अंदर फ्लोट कर सके, अपने कॉज के लिए लोगों को जमा कर सके। तो ये तो बड़ी बड़ी एक कमाल की और बड़ी गजब की चीज है कि आप की आवाज घर घर में पहुंच सकती है, आपके हम ख्याल लोग उस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आप जो कॉज समझते हैं बेहतर है, आप समझते हैं सोसाइटी के लिए करना चाहिए, आप उस आइडिया को फ्लोट कीजिए जी, अपना चैनल बनाइए, वेबसाइट बनाइए, फेसबुक पे अपना पेज बनाइए, गो ऑनलाइन, डिस्कस योर आइडिया, प्रेजेंट योर व्यूज, लोग मिलते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा, नौजवान वॉलंटियर बनने के लिए तैयार है, बेताब है लोग काम करने के लिए, वो इकट्ठे होंगे और आप कॉज को पकड़ के चलिए प्रैक्टिकली, उसको निभाइए, इंशाल्लाह सब इंसान के बस में है, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हमारे अख्तियार से बाहर हो। तो यस, यू कैन डू इट। अच्छा, सुनने वालों से सबसे पहले तो ये गुजारिश है कि देखें, आपके अख्तियार में आपका माउस हो चूहा और उंगलियां हैं, फौरन से पहले आपने शेयर का बटन नहीं दबाया अभी तक। अविनाश भाई को भी जब सब आपके मोहल्ले वाले और सिटी वाले जानेंगे नहीं तो फिर हम इनसे पकड़ पकड़ के काम कैसे देंगे और इनसे किस तरह मशवरे मांगेंगे, भाई ये बताओ यार हमारे मोहल्ले में भी प्रॉब्लम है, कचरा भरा हुआ है, हम कैसे हेल्प देंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ पहले तो इस वीडियो को शेयर करें और अविनाश को मैं वीडियो ख़त्म होने के बाद टैग कर दूंगा, आप इन द मीन टाइम मेरी फ्रेंड लिस्ट में जाके भी इनको ऐड कर सकते हैं, बुक्की लिखेंगे तो ये सामने आ जाएंगे आपके। और अब किसी के पास कोई सवाल है तो बताएं, और किसी ने मुझे यहाँ बता रहे हैं जी अब लिखे चले जा रहे हैं, उनका बस नहीं चल रहा कि वो सब कुछ ढूंढे रहे हैं दिल में जो जो बातें हैं। खुलतार, पशीन, चमन, सिप्पी आर रेडी, बलिस्तान ऑनलाइन कमिंग, अरे भाई पाकिस्तान डायरेक्ट बना लो ना, तुम बलिस्तान पे जा रहे हो, तो दोनों बना लो भाई, हमें तुम्हारी जरूरत है जिया भाई। एंड मोहम्मद कांजू भाई जो हैं उनसे गुजारिश है कि कुछ सवाल है तो करें, शुक्रिया आपके अप्रिसिएशन का। और अहसन फरीद पराचा भाई, मैं सो रहा था और भक्ति भाई ने कहा कि मुझे बात करनी है तो मैं कपड़े बदल के बैठा हूँ, इसलिए
ये गपशप लगा रहे थे हम, कोई जैसे दोस्त आ जाते ना कोई घर पे, तो बता के थोड़ी आता है, वो तो आ जाता है बस। तो ये आ गए तो मैंने कहा अच्छा जी जनाब हाजिर, चाय पियेंगे? तो चाय वाला तो सीन है नहीं, अभी भी नहीं पी रहे, मैं भी नहीं पी रहा, मुस्कुरा रहे कम है बस आप जरा अविनाश जी, ये क्या चक्कर है, रात ज्यादा हो गई, कह एक्सक्यूज मी रहा हूँ मुस्कुरा रहे कम है, बाकी पता नहीं गटर बटर तो मैं करा जा रहा हूँ। जी, अच्छा आप कुछ पूछना चाहेंगे अविनाश जी मुझसे? जरूर मैं पूछना भी चाहूंगा और कहना भी चाहूंगा, क्योंकि सर आप सोशली बड़े एक्टिव हैं और न्यू आइडियाज के साथ आपने यूथ को टारगेट किया है, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है। आपकी आवाज सुनी जाती है बहुत बड़े लेवल पे, नेशनली इंटरनेशनली। जो सबसे बड़ा मसला है मेरे प्रोविंस का, मेरे लोगों का, मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा। बलूचिस्तान जो अनरेस्ट है, जो इशू है यहाँ पे इंसर्जेंसी का, पाकिस्तान के लोग और दुनिया के लोग सिर्फ दो वर्जन्स को जानते हैं, यानी एक वो वर्जन जो कि लोग पहाड़ों पे हैं, वो लड़ रहे हैं, उनका वर्जन है, और दूसरा एस्टैब्लिशमेंट का वर्जन है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं और ताकत की जंग है और असूलों की, हकूक की जंग है। हकूक की कहें या आई डोंट नो मैं इसको कैसे प्रोनाउंस करूं, लेकिन एक और वर्जन भी है, आम लोगों का वर्जन, सिविल सोसाइटी का वर्जन, बलूचिस्तान की यूथ का वर्जन, वो कहीं सामने नहीं आ रहा। जो लोगों के मसाइल हैं, जो एक्चुअल सफरिंग्स हैं, वो सामने नहीं आ रही, उस पर ना मीडिया बात कर रहा है। मीडिया बात करता है, दो वर्जन पेश करता है, एक पहाड़ों का वर्जन पेश करता है जो हुकूमत से नाराज बलोच कहे जाते हैं, एक वर्जन वो पेश करते हैं कि जी हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट क्या करती है। उसके बीच में ना कहीं यूथ और जो एक्चुअल यहाँ के लोग हैं, जो 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 इन चीजों से सफर होते हैं, जो हर दिन किसी न किसी तौर पे मुतासिर हो रहे हो हैं दोनों तरफ के एक्शन से, उनका वर्जन सामने नहीं आ रहा। वो वर्जन पेश करना चाहूंगा मैं जरूर। सबसे पहले तो सर आप कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ कैडेट कॉलेज के प्रोजेक्ट्स जो जनरल मुशर्रफ के दौर में स्टार्ट हुए, वो अब बन के उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी है। उससे पहले पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, जो कि पाकिस्तान आपको पता है इज ऑलमोस्ट 43-44% ऑफ पाकिस्तान, और बड़े दूर दराज के इलाके हैं, कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, रोड्स नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, सबसे बड़ी बात गुर्बत है, गरीबी है। ये सब इतने बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं लोगों के लिए कि वो तालीम हासिल नहीं कर पाए, कोई बड़े लेवल पे लिटरेसी रेट पाकिस्तान का बढ़ नहीं सका या बढ़ने दिया नहीं गया पॉलिसीज के तहत, रिग्रेसिव पॉलिसीज के तहत। तो ये वर्जन सामने नहीं आता, इस पे लोग बात नहीं करते। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ना होने के बराबर है, एक सिंगल इंडस्ट्री हमारे पास नहीं है, हालांकि हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ये बॉर्डर प्रोविंस है, यहाँ पे हमारे यहाँ इंडस्ट्री होनी चाहिए थी, फैक्ट्रीज होनी चाहिए थी, हैंडीक्राफ्ट की भरमार होनी चाहिए थी, स्किल्स लोगों के डेवलप होने चाहिए थे, किसी चीज पे कोई काम नहीं किया गया, लोगों के पास कुछ है ही नहीं, कुछ करने को बलूचिस्तान में उनके पास है ही नहीं, उनके पास मौके नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, जरूरी स्किल्स नहीं है, टेक्निकल सेंटर्स पे किसी पे कस्टम ने कब्जा किया हुआ है, किसी ने एससी पे का किसी टेक्निकल सेंटर में कोई फोर्स बैठी हुई है, वो वहां पे जा नहीं सकते, वो ऑपरेटिव नहीं है, दूर दराज के इलाकों में स्कूल जो है वो बड़े ताकतवर लोगों के हाथ में है, वहां टीचर्स नहीं है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं, इन पे हम कब बात करेंगे, कब हमारी लोग सुनेंगे, कब इन मसाइल को हल करने की तरफ एफर्ट शो करेंगे, सिंसियर एफर्ट शो करेंगे। मैं हुकूमत को भी इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूं कि बलूचिस्तान में सिर्फ दो वर्जन नहीं है, सिर्फ एक पहाड़ों का, एक गवर्नमेंट का वर्जन नहीं है, यहाँ लोग भी बसते हैं, यहाँ लोगों की जरूरियात हैं, उनको इलाज चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, तो उस पे भी बात करें, उस पे भी आए यार, कोई कुछ करें बलूचिस्तान के लिए। ये तो नहीं है कि जब भी हालात खराब होते हैं आप जो है ना 800,000 नौकरियां दे दें और आप कहें कि जी इंसर्जेंसी इससे कवर हो जाएगी। आप लोग बाशऊर हैं, हम सब समझते हैं, हमें हमें मुल्क का हिस्सा समझिए, हम पे पैसा लगाइए, हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कीजिए, हमें इंडस्ट्री की तरफ लेके जाइए, हमें तालीम के मौके दीजिए,
अब वो दौर है नहीं जनाब कि अब जैसे चलाएंगे वैसे चलता रहे। ये मैं आपको तीसरा वर्जन पेश कर रहा हूँ, ये पहाड़ों का वर्जन नहीं है, ये वो वर्जन नहीं है जो लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, मैं लोगों की काम उनकी बात कर रहा हूँ, उन मसाइल की तरफ भी काइंडली तवज्जो दीजिए जी। शुक्रिया आपके तवज्जो दिलाने का। मैं एक दो सवाल कर लूँ, बड़ा तो नहीं आएगा। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। अच्छा, एक आदमी है, उसका नाम है सैल खान, सलमान खान नाम है, वो एक्टर है, वो नहीं बल्कि दूसरा। उसने 500 मिलियन जी लोग पढ़ाए हैं पिछले 8 साल में, अकेले बंदे ने, कोई गवर्नमेंट नहीं थी साथ, तो उसने कैसे पढ़ाए? फिर एक और साहब है मोहम्मद हाँ शफी जी, साहब, वो 1 मिलियन लोग पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं अपने हाथों से, अकेले, कोई गवर्नमेंट उनके साथ नहीं, वो कैसे कर रहे हैं? देखिए, अच्छा हमारे जी, रिया जो है ना, वो तो गरीब है। मेरा तो ये ख्याल है कि हम भीख मांगते हैं, कहीं जाते हैं भिखारी बन के जाते हैं, भाईजान साले को हम थोड़ा उधार दे दो, फिर जाते हैं मर्सिडीज शर्सडीज खरीदते हैं, बिल पे कर देते हैं, पेट्रोल सस्ता कर देते हैं, और तो मसाइल तो ऐसे सॉल्व होंगे। तो आई पर्सनली फील के यस, अप टिल 10 ईयर्स अगो, अप टिल 5 ईयर्स अगो, अप टिल नाउ, आज तक मुश्किल था एम्पावर करना लोगों को, आज तक मैं एग्री करता हूँ। लेकिन आज जब हमारे जी पास खिलौना 4,000 रुपये का मिलता है, लैपटॉप 5,000 रुपये का मिलता है, और इस मुल्क में मिलते हैं, आपको यकीन आएगा, इंडिया में 15,000 रुपये से पाकिस्तानी से कम का लैपटॉप नहीं मिलता। 8,000 रुपये से जी सस्ता में अभी तक हम ढूंढ रहे हैं, वहाँ मोबाइल बांटने के लिए नहीं मिला अभी तक कोई भी। तो हमारे यहाँ मिल जाते हैं पुराने लैपटॉप, अलाउड है हमारे पास, और आपके यहाँ तो ड्यूटी नहीं लगती, ऐश है, गाड़ियां भी सस्ती होती हैं। मैं तो जलता रहता हूँ यार, ये क्या चक्कर है, मैं भी जाके वहाँ मर्सिडीज खरीद लूँ, टोयोटा करोला के दाम में मर्सिडीज खरीद। अब तो वो हाँ सिलसिला जी, कुछ ऐश भी तो है ना, सारी तो याशियां हम नहीं कर रहे, थोड़ी ऐश आप ही कर रहे। तो सवाल ये है कि हम ब्लेम गेम से क्या फायदा होगा? व्हाई डोंट वी, आप जैसे कर रहे हैं, आपने खुद ही कहा कि सिविल हुकूमत सिविल लोग हैं, खुद ही कर रहे हैं, और मैं तो पर्सनली कायल नहीं हूँ कि हुकूमत से हर काम का, जैसे हम अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि वो अजीनो मोतो वाली बात है। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि लोग ये कहें, अगर लोगों का बस चले ना, वो कहें यार ये टिश्यू पेपर लो, मेरी छीपी तो साफ कर दो आगे, इतनी हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी लगा दें। दिस इज व्हाट आई फील दैट पीपल वांट। मुझे मैसेज करते हैं, चलिए जरा गूगल करके बता दें, मतलब दिस इज हाउ आई एम ट्रीटेड एज अ नॉर्मल पर्सन। तो बेचारे MNA MPA का क्या होता होगा, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि अभी आपको मैसेजेस आ रहे होंगे, आपने मुझे ऐड किया, आपको हर तरह के मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, आप देखिएगा कि सर जी आप करा दें, सर मुझे पानी कम पड़ गया, आप जरा पानी डलवा दें, सर मुझे पानी के ग्लास पीने का तरीका बता दें, मतलब हर किस्म के अजीबोगरीब किस्म के मैसेजेस आते हैं। तो हमने इतना अपने आप को ऐसा क्यों अजीब किस्म के लोग बना लिया है कि यार हम हर चीज कुछ भी नहीं कर सकते, गूगल भी नहीं कर सकते, यूट्यूब भी नहीं कर सकते, क्या करना क्या चाहते हैं? तो अब हमारे यहाँ मेरे ख्याल में इंटरनेट आ गया है, आई डोंट थिंक वी शुड डिमांड द गवर्नमेंट द वे वी आर डिमांडिंग, नंबर वन। नंबर टू, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर अबाउट टू चेंज, 5 से 10 साल में टेक्नोलॉजी की वजह से फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी चेंज हो जाएंगे, ई गवर्नेंस की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगी, आपके जो मसाइल हैं वो ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी की वजह से कम होना शुरू हो जाएंगे। सो वी शुड गियर आर सेल्फ फॉर दिस एंड नॉट फोकस कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया। गवर्नमेंट तो आप अमेरिका का हाल देख लें कि गवर्नमेंट में वहाँ वो जो बेचारा काम कर रहा था उसको भी निकाल के फेंक दिया। तो लोग बेचारे जो है ना, वो सारी दुनिया ऐसी ही है, ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका में चले जाएंगे तो आपको तकलीफ नहीं हो रही होगी। अमेरिका में इतने गरीब लोग कहते हैं शायद पाकिस्तान वाले हाल ही होंगे, कुछ कुछ सारे के नहीं है। क्या इससे पहले कि वो मेरे मेरे जहन से आपके क्वेश्चंस निकल जाए, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगा। आपने बहुत वैलिड बात की कि एक जिन साहब का आपने नाम लिया कि उसने इतने बड़े लेवल पे लोगों को एजुकेट किया, लिटरेट किया। सर, बलूचिस्तान में अगर आप आएंगे और अगर यहाँ के दूर दराज इलाकों में आप विजिट करेंगे, इंटरनेट से हम स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, आपकी बात ठीक है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आपकी बात ठीक है। हम पूरी दुनिया हमारे एक्सेस में है, हम यूट्यूब के जरिए बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये भी आपकी बात ठीक है। लेकिन एक बच्चा जब पैदा होता है, 3 साल 4 साल की उम्र में उसको स्कूल जाना होता है सर, अल्फाबेट सीखने के लिए उसको ABC सीखनी पड़ती है।
उसको किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उसको इधर अदब का 6 साल की आदाब। उम्र तक बच्चा स्कूल नहीं जाता, अमेरिका में भी 6 साल की उम्र तक बच्चा स्कूल नहीं जाता, आप क्यों 2 साल की उम्र बच्चे को स्कूल भेजना चाह रहे हैं? ठीक है सर, आप 6 साल उसकी एज लिमिट कर दें, आप 7 साल कर दें। 7 साल की उम्र में तो उसको स्कूल जाना है कि नहीं जाना है? मैंने 2 साल सात की साल देखी से है, वो आईपैड पे लगी हुई है, ABCD शुरू कर चुकी है, मतलब सर मैं तीन मैथ साल मैं क्योंकि मेरे एक्सेस में था स्कूल, मैं क्वेटा में, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट इन क्वेटा, तो मेरे एक्सेस में था, तो मैं 3 साल स्कूल चला गया था। आप जिस लेवल की बात कर रहे हैं सर, वो बहुत बाद में आता है, और उसके लिए भी तैयार करने के लिए आपको बेसिक फैसिलिटीज तो देनी ही होगी ना चाइल्ड को। आपको कम से कम एक ऑपरेटिव स्कूल चाहिए ना अपने इलाके में। अब वो आप कहेंगे कि जी वो प्राइवेट लोग क्यों नहीं करते इस तरह, मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता, हाँ बाय द वे, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, और अमेरिका के 10 मिलियन लोग और भी नहीं भेजते स्कूल होने के बावजूद भी। देखे ना, आप यहाँ बदकिस्मती से स्किल से ज्यादा डिग्री का पैमाना जरूरी है सोसाइटी में परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि जारी बात है हम इंटरकनेक्टेड हैं, तो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के ही आपको काम करना है ना। पर्सनल लेवल पे तो आप दुकान ही खोल के बैठ जाओगे, ज्यादा से ज्यादा अपना इसके लिए दिखाओगे कि कस्टमर से बड़ी तमीज से बात कर लेंगे, बड़े अदब से बात कर लेंगे, बट अपना अकाउंट सिस्टम बड़ा अच्छा। आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, आज अभी एप्लीकेशन है, बी लाइव चला रहे हैं, ये डेटा बुकिंग का कोई लड़का भी तो बना सकता था, इसमें कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई सिलिकॉन वैली का ही कोई आदमी बनाए। माय पॉइंट इज कि हम पुरानी जॉब, जो पुराना सिस्टम था, आज से 10 साल बाद रोड के ऊपर गाड़ी का ड्राइवर नहीं चाहिए, राइट? हमारे जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। गवर्नमेंट बेचारी पुराने को आज तक, अभी अमेरिका के अंदर 1950 की जॉब्स के लिए बकौल मिचू काको के लोगों को तैयार किया जा रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट कहाँ से आसमानी मखलूक बनेगी कि वो बहुत अच्छा काम कर देगी? सो आई पर्सनली डोंट बिलीव कि गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग एनीमोर। इट्स ऑलरेडी इट्स अ रॉटनिंग सिस्टम। गवर्नमेंट डज नॉट हैव द पावर नहीं, फिक्स इट, एक्सेप्ट डंडा लेके जाके बम मार देना और ये करा देना, कुछ करा देना। We should focus on certain things and not on everything which should we have delegated to the government. That's my मैं take. I आपसे mean, no problem कि आप जो मांग रहे हो मांगते रहे, उस पर कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन होगा ही है कि कोई हमारे मुल्क में, क्योंकि रोड बनाने वाले लोग नहीं है, तो फिर चाइना से लोग आएंगे, रोड भी वो ले लेंगे, पोर्ट चलाने वाले नहीं है, पोर्ट भी वो ले लेंगे, और बिजली चलाने वाले नहीं है, बिजली भी वो ले चलाने वाले भी ले लेंगे। फिर हम फिर कहेंगे ओहो ये क्या हुआ, ये तो इसके लिए कंपनी वाला सीन हो गया, अच्छा फिर तो हमारे ऊपर हुकूमत हो गई, ओहो फिर हम अलग हों, फिर हमारे लोगों को मारा जाएगा। यार हिस्ट्री से कुछ सीखना चाहिए ना, या हम वही हिस्ट्री बार बार रिपीट करते? हिस्ट्री को ही बेस बना के सर आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। जेम्स आर्मस्ट्रॉन्ग और जेम्स फर्गोसन, यस जेम्स आर्मस्ट्रॉन्ग और नील फर्गोसन, ये दो राइटर्स हैं अमेरिकन। इन्होंने एक बुक लिखी व्हाई नेशंस फेल, कौमें क्यों नाकाम होती हैं। उसने बहुत जबरदस्त काम किया सर, उसने रात के टाइम फ्लाइट से, या सैटेलाइट तो नहीं थी, यस वो शायद सैटेलाइट थी या वो फ्लाइट से ली गई एक पिक्चर थी, उसमें साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की उसने तस्वीर ली। साउथ कोरिया वहां जगमगा रहा है, पूरा साउथ कोरिया लाइटेड है, रोशन है, जबकि नॉर्थ कोरिया अंधेरे में डूबा हुआ है। ठीक है सर, दूसरी मिसाल, मैक्सिको यूएस बॉर्डर पे खड़े होके वहां पे उन्होंने एक इस तरह ऐसे पहाड़ नुमा टीला बनाया हुआ है बॉर्डर का, उसके ऊपर फेंस लगी हुई है, वहां खड़े होके इसने अमेरिका एरिजोना उस तरफ का भी एक स्नैप लिया अपने कैमरे से, और मैक्सिकन साइड का भी एक स्नैप लिया उसने अपने कैमरे से। ठीक है सर, और इस तरह उसने बहुत सारे रीजन्स की बात की है। फिर उसने कहा है कि क्यों ऐसा है कि कुछ कौमें जो पड़ोसी हैं, एक कौम नाकाम है और दूसरी कौम कामयाब है। एक कौम ने तरक्की कर ली है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है दूसरे बनिस्बत दूसरे मुल्क के, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी अमेरिका की अगर 80 ईयर्स है तो मैक्सिको की 60 ईयर्स है, उससे भी कम है, तो इसकी वजूहात क्या है? फिर उसने बड़ी बेहतरीन रिसर्च उन्होंने पेश की है, वो फिर हिस्ट्री में चले गए कि जी क्योंकि कुछ थ्योरीज इस तरह की पहले एग्जिस्ट कर रही थी कि जी वेदर इज अ फैक्टर, मौसम एक ऐसा फैक्टर है जो कौमों को सुस्त बनाता है और दूसरी कौमों को एक्टिव बनाता है। कुछ उन्होंने कुछ थ्योरीज इस तरह की थी कि नहीं, जो जीन्स है जेनेटिकली कुछ कौमें ज्यादा एक्टिव हैं कुछ कौमें सुस्त हैं,
कुछ जल्दी सीख पाती हैं, कुछ महीन हैं, कुछ देर से सीखे, तो ये रीजंस हैं। लेकिन उसने इस चीज को निगेट किया कि मैक्सिकन बॉर्डर पे जो सिटी है ब्यूनोस एरीज, ब्यूनोस एरीज वो आधा मैक्सिको के अंदर आता है, आधा यूएस के अंदर आता है। एक ही एंसेस्ट्री है लोगों की, एक जैसा वेदर है, एक ही कॉम है, तो फिर क्यों ऐसा है कि एक तरफ पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, उनका हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, और मैक्सिको के अंदर नहीं है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एक ही जींस के लोग हैं, एक ही कॉम है, एक ही कंट्री है ऑलमोस्ट, अगर बॉर्डर हटा दिया जाए, लेकिन दोनों तरफ बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप पाकिस्तान के अंदर आइए, पाकिस्तान को देख लीजिए, अगर ये मुल्क एक जैसे तरक्की करता तो हम सारे लोगों को एक जैसा होना चाहिए था। लेकिन आप बलूचिस्तान में आके हालत देख लीजिए, पंजाब को आप बहुत बेहतर पाएंगे, कराची को कुछ बेहतर पाएंगे, कराची इज द मोस्ट लिटरेट सिटी। अच्छा, कराची के अंदर आप एरियाज को फिर देख लीजिए जी, जैसे आप कहते हैं पुल के उस पार यानी डिफेंस और क्लिफ्टन, वो बेहतर क्यों है और पुल के इस पार आपको मसाइल के अंबार क्यों नजर आते हैं? तो सर ये ऐसा नहीं है कि प्योरली हम खुद को ब्लेम करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के तहत कोई इलाका जल्दी तरक्की कर जाता है, कोई देर से तरक्की करता है। आज आप जो एक नजरिया पेश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के होते हुए कुछ सालों में हमें ड्राइवर की जरूरत ही पड़ेगी, ऑल दैट, कॉमो ने सफर करके सर्द और गर्म झेल के, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हर चीज देख के, हिस्ट्री का सफर तय करके आज इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। तो अब यहां से आगे का सफर, लेकिन ऐसी कॉमों का क्या जो इस सफर में पीछे रह गए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से पीछे रह गए। इंडिविजुअली इंसान एक हद तक कुछ ना कुछ कर सकता है, अपने हद तक कुछ ना कुछ कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जो देखे ना, गवर्नमेंट अगर हमसे टैक्स ले रही है, अगर हमसे टैक्स ले रही है, उसको अमनोमान भी देना है, उसको सेहत की बेहतरीन सहूलियात भी देनी है, उसको स्कूल्स भी ऑपरेट करने हैं, कॉलेजेस ऑपरेट करने हैं, यूनिवर्सिटीज ऑपरेट करनी है। दुनिया भर में गवर्नमेंट का यही काम होता है कि वो पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करें, अमनोमान को बहाल रखे, लोगों की सेहत को बहाल रखें ताकि वो परफॉर्म कर सके इकोनॉमी में, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमी में आपको देनी चाहिए ताकि सारा माशरा एक साथ ऊपर आए, तरक्की करे। लेकिन मसाइल वहां पैदा होते हैं जिसका मैंने जिक्र किया, जहां डिस्पैरिटी हो। अब मुझे बताएं कि कौन इस चीज को जस्टिफाई कर सकता है कि पाकिस्तान में आज पंजाब और लाहौर क्या सूरत हाल इख्तियार करके, और आप क्वेटा की हालत आके देखें, यहाँ हमारे पास पीने का पानी ना हो और आप कहें कि जी आप अपनी बेस पे जो है वो एजुकेशन, हमें तो जिंदगी गुजारना, सर्वाइवल ही हमारे लिए इतना मुश्किल है, हम एजुकेशन की तरफ कहाँ हमारा माइंड जाएगा सर? हम आप ऐसे इलाकों में जाएं जब तक वो हाईवे पे आके उसके चार बच्चे भीख नहीं मांगते, उसके घर में रात को चूल्हा नहीं जलता, वो बेचारा अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेजे, और भेजे कहाँ, स्कूल तो है ही नहीं, स्कूल बने हुए हैं वहां पे, जॉब्स हैं जी, लोग लगे हुए हैं, घोस्ट टीचर्स हैं, वो फेस जा रही हैं, सैलरीज जा रही हैं, और स्कूल ऑपरेट नहीं कर रहा सर। तो ये तो गवर्नमेंट के काम है, या पर्सनल बेस पे कैसे कर सकते हैं हम ये चीज नहीं कर सकते हैं। या तो फिर ठीक है, सिस्टम को चेंज कर दें जी, गवर्नमेंट की हमें जरूरत ही नहीं, हमसे टैक्स ही ना ले, फिर हम अपने रिसोर्सेज को सिविल सोसाइटी और कम्युनिटी खुद ही मैनेज करके हम अपना एक निजाम बना देते हैं, जैसे रेड इंडियंस और ये वहां के जो ट्राइब्स थे अमेरिका के, उन्होंने जिस तरह अपनी तारीख का सफर तय किया, हम भी उसी सफर पे चले जाते हैं। फिर गवर्नमेंट, फिर डेमोक्रेसी, और ये फिर क्या ड्रामे लगे हुए डेमोक्रेसी की? डेमोक्रेसी इस तरह तो नहीं होती कि सूबे के रिसोर्सेज को आप लूटते रहें और अपनी उसको बनाते रहें, एरियाज को इंडस्ट्रियलाइज कर दें और एक्सपोर्टर बन जाए ठीक ठाक किस्म के, दर मुबादला कमाए, और जिस सूबे से आपकी सारे रिसोर्सेज जा रहे हैं उनके लोगों को तो जीने के वक्त पड़ा हुआ है कि हम दो वक्त की रोटी कैसे पूरी करें, और जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है बेचारे जो टैक्स यहाँ पे देते हैं गवर्नमेंट को, उनको सिक्योरिटी नहीं है, पति के पर्चे आ रहे हैं, और किडनेपिंग का तो रिकॉर्ड कायम हुआ अब पीपल्स पार्टी के दौर में बलूचिस्तान में। तो ये सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं जब हमें जान की सिक्योरिटी नहीं है? मैं अपने बच्चों को सिक्योरिटी रिस्क की वजह से स्कूल नहीं भेज सकता, तो आई एम नॉट टू बी ब्लेम सर, आप मुझे कैसे ब्लेम करेंगे? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो मैंने नहीं देखना, मैंने तो नहीं पॉलिसी, ये जो रिग्रेसिव पॉलिसी और ये लोगों के वसाइल लूटने की पॉलिसी जो यहाँ पे चल रही है उससे मैं मुतासिर हो रहा हूँ, उससे मेरे हकूक मारे जा रहे हैं, मुझसे अपॉर्चुनिटीज छीनी जा रही है, मुझे वो एनवायरमेंट नहीं मिल रहा जिस एनवायरमेंट में मैंने और मेरी जनरेशन ने परवान चढ़ना है सर, तो उसके लिए भी मैं ही ब्लेम, मुझे ही ब्लेम किया जाए, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। भाई मैं तो आपको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा,
मैं तो आपके सर आंखों पर आपकी इज्जत करता हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं। मेरी तो सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश ये एक्सचेंज ऑफ व्यूज है, नथिंग इज पर्सनल। जी, और मैं डिबेट को मार्क मैं तो आपको से ही सिर्फ करवा नतीजे पे पहुंचने के, एटलीस्ट आपको ये वर्जन भी नजर आया। मैंने जैसे आपको शुरू में कहा कि मैं तीसरा वर्जन पेश कर रहा हूं, मैं पहाड़ों का वर्जन पेश नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट का वर्जन पेश नहीं कर रहा, मैं अपने पड़ोस का, अपने शहर का, अपने सूबे का, जो बड़े मासूम लोग हैं, जो बड़े ट्रेडिशनल लोग हैं, इस कसम कुर्सी की हालत में बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, अपने अपना पेट काट कर जो मेहमान को पालने वाले हमारे भरोच पश्त भाई गैरतमंद लोग हैं, बड़े प्यार वाले, बड़े मोहब्बत वाले। मुझे नहीं पता था उनका क्या क्या प्रोजेक्शन पेश की गई, उनकी क्या इमेज डेवलप की गई पंजाब में या कराची में या कहीं, जाहिर बात अच्छी तो नहीं की होगी तो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बड़े प्यारे लोग हैं जी हमारे, बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं, बड़ा पोटेंशियल है इनके अंदर, बाशऊर लोग हैं। हमारा फ्रूट बेचने बेचने वाला जो रेडी वाला है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जानता है सर, क्योंकि हमने सफर किया है। जो कौम मुश्किल हालात से गुजरती है, जो कौम पिस कर अपने दिन गुजारती है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली शऊर आ जाता है। अब हम देखते हैं जो सोने के चमच लेके पैदा हुए हैं, उनको कुछ भी नहीं है सर, उन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई हुई, आईपैड और एप्पल और आईफोन्स और इन चीज की, उनके बाहर उनको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि हमने सफर किया है, हम मरे हैं यहाँ पे, हम नुमान का मसला, हमारे गाँव पे बम्बारियां हुई हैं, हमारे लोग मारे गए हैं, उस तरह से भी पिसे हैं, दोनों तरह से पिसे हैं, दोनों तरफ से किडनैप हुए हैं, दोनों तरफ से परेशान हुए हैं, यहां से माइग्रेट हुए हैं, तो इन हालात ने हमें शऊर दिया है, हमें सिखाया है, और हमने हमने मेहनत की है सीखने के लिए कि ये हमारे हालात क्यों है और इसका कौन जिम्मेदार है और इसका हल क्या है। इसकी तरफ हमने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं और इसने हमें शऊर दिया है। तो ठीक है, मुश्किल हालात कौमों को बनाते हैं, अगर यही प्रोसेस है तो हम इस प्रोसेस पे चलना ही तैयार है। ठीक हो गया जी। आप मैं तो थक गया हूँ काफी। आप तो बिल्कुल फ्रेश ब्रांड नहीं लग रहे। एंड वो अल्फाज की अमानत है, तो मैं मुझे अगर 2 रातें भी जागना पड़े और उससे अगर माइंडसेट लोगों का चेंज होता है और हमारी तरह जरा नजरे करम अगर हो सकती है तो मैं 4 रातें जागने के लिए तैयार हूँ सर। सही है। देखिए भाई, आप तो पॉलिटिशियन है, आपसे तो मैं जीत नहीं सकता। तो मैं खैरा बेचारा फालतू सा जहल नहीं सर, मेरी इसका मेरे दिल की बात, मतलब मेरे दिल की बात ने आपको छुआ नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल पॉलिटिक्स और किसी भी तरीके के बायसनेस से बिल्कुल प्योर वर्जन था सर, ये आपके दिल को छूना चाहिए था। सही। मैं भी पिछले 3 महीने में 16 मुल्क गया हूँ, और टोटल 54 मुल्क हो गए मेरे, 84 हो गए, इनमें से कोई एक नंबर है पता नहीं क्या नंबर। माशाल्लाह एंड जितने भी मुल्क में गया हूँ वहाँ पे जो आवाम मिलती है ना, वो उसी तरह के जो आपकी बारी होती है ना, तीसरी बात को सुना रही होती है। एक नहीं है, 2 मुल्क नहीं है, जितने भी मुल्क गया हूँ कोई भी मुझे मुल्क ऐसा नहीं मिला जहाँ पर वो कह रहे हो कि वो बड़ा दो। वो इसीलिए कहते हैं ना, दूर से जो है ना वो घास हरी हरी नजर आ रही होती है। तो जब तक मैं सिर्फ जो लेवल पे है उसको जांचते हैं कि किसी 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 मुल्क की गवर्नमेंट इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो इत्मीनान का जो एक पैमाना है कि किस कदर लोग अपने गवर्नमेंट से मुतमईन है। अगर 70% मुतमईन है तो बड़ी अच्छी बात है जी, हम तो माइनस में ही चल रहे हैं, क्योंकि हमें तो अभी इत्मीनान की तरफ तो छोड़े अब तो हम वो अभी मैं चेक में था यहाँ। तो प्राग के ऊपर बात हो रही थी कि उनका जो सदर है वो हर वक्त ड्रंक ही बेचारा पड़ा रहता है और किसी की बातें करता रहता है। मैंने यार चलो यहाँ भी यही हाल है। तो अब मैं क्या बोलूँ कि, और हालांकि वहाँ इतना इम्प्रेसिव हर चीज आपको लगती है, आप जाते हैं आपको लगता है चीज इतनी इम्प्रेसिव है। एनीवेज आई विश यू ऑल द बेस्ट। माय रिक्वेस्ट इज सेम व्हिच इज टू एवरीवन एल्स, के आप अपने ऊपर काम करें और मेरे बहुत सारे गैर मुल्की दोस्तों को अपने साथ ऐड करें, जाके वो आपका आपकी आंखों से पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को, क्वेटा को देख सकें। सेकेंड रिक्वेस्ट ये है कि जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप इस तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा करें। तीसरी रिक्वेस्ट ये है कि मैंने आज तक डेरा बुक की कोई चीज़ नहीं देखी है, स्विगी कोई चीज़ नहीं देखी है। अगर वहाँ पे
50 लड़कों के पास भी स्मार्टफोन है, जो कि गलत है, जबकि तकरीबन 25,000 के पास है। तो अल्लाह के बंदो, वीडियो बनाओ, अपनी ब्यूटी दिखाओ, अपने रेस्टोरेंट दिखाओ, अपने पार्क दिखाओ, अपनी अच्छाइयाँ दिखाओ और सारी दुनिया को दिखाओ। और जब आप दिखाएंगे तो हमें नजर आएगा, तो हमारी ख्वाहिश होगी कि भाई यहाँ पे ऐसी चाय मिलती है कि जी वाह जी वाह। अब अगर हम दूसरे ममालिक में जा सकते हैं आइसक्रीम खाने, बहुत सारे लोग, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन खौफ आता है, और खौफ हर उस चीज़ से आता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो अगर हमारे वहाँ पे 10-20-25 दोस्त बने हुए होंगे ना, तो हम खौफ नहीं खाएंगे, हम आराम से धड़ल्ले से जाएंगे। हमारा दोस्त हमें खाए तो पहले ही बोल देगा, नहीं आओ नहीं आओ, कोई खतरा है यहाँ पे। तो ये जी दोस्ती का जो तरीका मैं सुझाव देने की जी कोशिश कर रहा हूँ, उसके जरिए बहुत इंशाल्लाह फायदे हो रहे हैं लोगों को। और अब तो मैं 300 लोगों के साथ प्रूफ कर चुका हूँ, अब पत्नी और के साथ प्रूफ करूँ कि यार इससे लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। एंड दिस इज ऑल माय रिक्वेस्ट इज टू एवरीवन, हर एक मुझे दुख भरा मैसेज करता है, आपके लिए पास हमारे शहर के लिए कोई टाइम नहीं है, आपके लिए पास हमारे गाँव के लिए कोई टाइम नहीं। भाई अपने पास टाइम निकालो ना अपने गाँव के लिए, मुझे क्यों कह रहे हो कि आपके लिए टाइम नहीं है। हाँ भाई मेरे पास टाइम नहीं, आपके पास टाइम है, अपना मोबाइल निकालो दिखाओ, ये सीन हो रहा है, ये पार्ट हो जी रहा है, और सामने आते नहीं है, शक्ल दिखाते नहीं है, छुप के बात करते हैं, तितली की शक्ल लगी होती है। तो आदमी ट्रस्ट डेवलप करे एक दूसरे के साथ, ट्रस्ट डेवलप करे। बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारी बात सुन रहे हैं, जिनको जहन में ये है कि जी उन्हें डेरा बुकटी और सुई जाने से खौफ आता है। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि नहीं जी ऐसी तो कोई बात नहीं, तो उस पर ट्रस्ट ना कीजिए, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता, सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सेटलर्स बहुत सारे मारे गए, और जिसके खिलाफ हमारी जमहूरी वतन पार्टी ने बाकायदा खुलकर बात की, और बाकायदा मासेस को इस चीज पे हमने एग्री किया कि जी इनको मार के हम अपने आप को मार रहे हैं, कि आबा अजदाद की कब्रें यहाँ बलोचिस्तान में है, और ये हमारा पार्ट है, ये हमारा हिस्सा है, एंड दे हैव नथिंग टू डू विद व्हाट इज गोइंग ऑन विद बलोच पश्तून नेशन, तो इनको ना मारा जाए, ये हमारा हिस्सा है। उस दौर में जब क्वेटा में सेटलर्स मारे जा रहे थे, हमारे डेरा बुकटी में कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, हरनाई के पठान बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, आपके बंगालीज वो हमारे पास रेस्टोरेंट चलाते हैं, बेकरीज चलाते हैं, नॉट अ सिंगल इंसिडेंट हैज बीन रिपोर्टेड कि वहां डेरा बुकटी में किसी सेटलर को मारा गया। ऐसी ऐसी कोई मिसाल हमारे पास मौजूद नहीं है। मैं आज आपको ओपनली ये दावत देता हूं, आप डेरा बुकटी सुई में किसी को जानते हो या ना जानते हो, अपना बैग उठाइए, पैकिंग कीजिए, आप कश्मीर के रास्ते सुई पहुंचिए, जो घर आपको नजर आता है दरवाजा खटकाइए और कहें कि हम मेहमान है आपके इलाके में, आप बेगम हो जाइए, आपकी पूरी मेहमान नवाजी होगी, आपकी सिक्योरिटी उनका जिम्मा होगा, आपको पूरा इलाका घुमाया जाएगा, बहुत खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है, आप सब जाइए गैस प्लांट को देखिए, इट्स अ नेशनल एसेट, आप देखिए गैस कहाँ से आ रही है, वहां के लोगों के साथ मिले, आपका पूरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा। और मैं बिलीव करता हूँ सोसाइटीज कभी ऐसे ग्रो नहीं करती जब तक इंटरमिंगलिंग ना हो, लोगों का डिफरेंट कल्चर के लोगों का डिफरेंट मजाहब के लोगों का आपस में मिलना जरूरी है, ताकि हमारी सिविलाइजेशन ग्रो करे, हम एक दूसरे के कल्चर से वाकिफ हों, और ये जो बायसेस है ना बलोच पश्तून पंजाबी, ये उसी वक्त खत्म होते हैं जब आप एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, तब आपको पता चलता है कि अरे यार ये तो हमारे जैसे ह्यूमन बींग है, इनका तो ये कल्चर बड़ा जबरदस्त है, इनकी आदत ये है, और सब प्रोग्रेसिव है। देखें कम्युनिटीज, जब जहां भी कम्युनिटी का लफ्ज आ जाता है, तो वहां ऑलरेडी कोई ना कोई सेटअप ऐसा मौजूद होता है जो आपको सिक्योरिटी देता है, जो आपको सोशल जस्टिस देता है। बहुत अच्छी सोसाइटी है हमारी, आप जरूर डेरा बुकटी विजिट कीजिए, आप जरूर सुई को विजिट कीजिए। अगर किसी को मेरी खिदमत की जरूरत है जी, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, कोई मुझसे जानना चाहता है मेरे इलाके के बारे में, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं हाजिर हूँ, मुझे कॉल करना चाहते हैं मैं हाजिर हूँ, तो एनी टाइम एनी वन कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर दैट। और यहाँ सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत देर हो गई है और मुझे लग रहा है कि आपको आंखों से पता चल रहा है कि बड़ी नींद सता रही है आपको, तो थैंक यू वेरी मच सर मेरी आवाज पहुंचाने का लोगों तक, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म से कि मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं सर। सुनने वालों को मैं पहले बता दूं कि आज मैं पहली दफ़ा इनसे बात कर रहा हूँ, मैं इनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, तो मुझे कोई गोली मारनी है तो मेहरबानी है, फालतू। तो
और मुझे नहीं पता था कि नवाब मुफ्ती साहब की पार्टी से हैं। मुझे नहीं मालूम ये आपकी कोई सेपरेट मूवमेंट नहीं है भाई, आपकी ही है या और लोग हैं? एक्सक्यूज मी सर, पार्डन, कह रहा हूँ कोई, मैंने सुना है कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी चल रही है, वो आपकी मूवमेंट है या और किसी की है? नहीं जी, वो तो बहुत सारे इस तरह के आउटफिट्स हैं। मेरा पर्सनली किसी ऐसे आउटफिट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ और बात ही कर सकता सर। मैं हथियार नहीं चलाता हूँ, मैं जुबान चलाता हूँ, और वो अक्सर हथियार से बहुत ज्यादा ताकतवर साबित होती है। फैंटास्टिक। तो आई होप कि अविनाश आपको थोड़ा सा इनकरेज, मेरा मकसद आपको इनकरेज करना था कि आप ज़्यादा वीडियोस करें, ज़्यादा मसाइल को हाईलाइट करें। आज से 1 साल पहले, 1 साल पहले 6 महीने पहले हमारे पास ये ताकत नहीं थी जो हम आज इस्तेमाल करें। आज ये ताकत आ गई है, एग्जैक्टली तो अगर ये ताकत आ जी, गई है और उस ताकत को इस्तेमाल ना करें तो फिर कुफरान नेमत होगा बहुत ज़्यादा। और हमें इसका सवाल का जवाब देना होगा कि जितने सुनने वाले बैठे हुए आज सुन रहे हैं, कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, उन सबके पास ये ताकत मौजूद है कि वो अपने मसाइल को प्यार मोहब्बत सलीके शआर शऊर के साथ लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और उसका हल तलाश करने के लिए गूगल और यूट्यूब की मदद हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हर हजारों मसाइल के जवाब वहाँ पे, लाखों मसाइल जो हमारे चारों तरफ है उनको हल करने के तरीके मौजूद हैं। इजाजत करते हैं वो आसमान से मखलूक नहीं आती, वो इसी में से निकलती है। तो अपने मसाइल को खुद हल करें और जितना कर सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का मसला हम खुद नहीं हल कर सकते हैं, इट्स अ बिगर प्रॉब्लम, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो ये हम हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि अगर कुछ भी ना करें ना, हमें ये फील सेफ करा देंगे, हम सेफ हैं, हमें इंसाफ मिलेगा, तो आई थिंक बाकी सारे मसाइल हम लोग खुद ही ठीक कर लें। तो एग्जैक्टली सर, थैंक यू अविनाश भाई, धन्यवाद। पता नहीं आप तो पाकिस्तानी हैं, पता नहीं धन्यवाद होता है क्या होता है, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सकता हाँ जी है। मैंने कहा ह्यूमन रेस एक ही है सर, कल्चर्स डिफरेंट हैं, हाँ लेकिन जी अल्टीमेटली ह्यूमन रेस और बिलोंग टू ह्यूमन रेस। तो आप ग्रीटिंग का कोई भी दुनिया का वर्ड यूज करें तो वो स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट टू माई हार्ट वो पैगाम पहुंच जाएगा। चलें जी, फिर उसके उस सिलसिले में फिर शीशे नहीं, और क्या होता है पत्नी, और शुक्राना है पत्नी, क्या क्या लफ्ज है, इस वक्त मेरी बैटरी बिल्कुल खराब हो गई थी, याद नहीं आ। जी तो बहरहाल शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा रिया, अपना ख्याल रखिएगा, और आप, हाँ आप लोगों से गुजारिश है कि फ्रीलांसिंग पे थोड़ा सा फोकस करें, फाइबर पे फोकस करें, बहुत फायदा होगा। आपकी पूरी कौम, पूरा बलोचिस्तान में 13 मिलियन आ रहे के लोग रहते हैं, जो कि कराची से भी छोटा है पॉपुलेशन वाइज, तो अगर हम सबको फ्रीलांसिंग पे लगा दें तो अच्छे पैसे बना सकते हैं, अपने तो बेबी, अपने घर वालों के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए, अपने कौम के लिए। थैंक यू सर, अविनाश, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ब्लेस यू।